हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रिसीजन, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी के बारे में। जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पैरामीटर्स पढ़े थे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी थी, एस्टिमेट, एस्टिमेटर, इन सब के बारे में पढ़ा था, उन्हीं पे बेस्ड ये क्लास है। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, और उसके बगैर ये क्लास आपको समझ नहीं आएगी। तो जो हम प्रिसीजन, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटर, पैरामीटर, इन सब पे बेस्ड होगी। तो आप लास्ट क्लास पहले देख लें। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई टॉपिक से रिलेटेड, कोई कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिसीजन की। हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टैंडर्ड एरर पढ़ा था। एक जब हम कोरिलेशन पढ़ रहे थे तभी भी हमने एक स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये स्टैंडर्ड एरर हमारे यहाँ काम आता है। स्टैंडर्ड एरर जो मतलब हम प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि हमारा जो एस्टिमेट है, जो मतलब हमने वैल्यू निकाली है, हमने जैसे हमने पैरामीटर और हमने स्टैटिस्टिक्स की बात की थी, तो हम जब पैरामीटर की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं या स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू एस्टिमेट करते हैं तो वो वैल्यूज कितनी क्लोज हैं सैंपल की और पॉपुलेशन की, तो उनके बीच में जो गैप कितना कम है वो चीज़ दिखाने के लिए हम प्रिसीजन का काम में लेते हैं। तो प्रिसीजन बेसिकली क्या होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड एरर होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे एक इंडेक्स के रूप में काम में ली जाती है। मतलब कि अगर स्टैंडर्ड एरर क्या है, छोटा है तो हमारा प्रिसीजन क्या होगा, बड़ा है तो क्या, मतलब उनकी वैल्यू छोटी और बड़ी, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू से हम प्रिसीजन को डिफाइन करते हैं कि हमारा जो है कितना प्रिसाइज है, कितना क्लोज है एक दूसरे की, यानी एस्टिमेट सैंपल की वैल्यू, सैंपल एस्टिमेट और पॉपुलेशन एस्टिमेट, यानी कि हमने एक सैंपल से कितना मीन निकाला और पॉपुलेशन का मीन निकाला, दोनों के बीच में कितना सिमिलैरिटी या कितना गैप कम है, वो चीज हम प्रिसीजन के अंदर देखते हैं। तो जो रेसिप्रोकल ऑफ स्टैंडर्ड एरर, यानी मतलब कि जो व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टैंडर्ड एरर का, व्युत्क्रमानुपाती यानी एक बटा स्टैंडर्ड एरर, वो क्या होता है, हमारा मेजर होता है रिलायबिलिटी या प्रिसीजन का, यानी कितना सही है, कितना क्लोज है, कितना हमारा जो डिफरेंस है वो कम है। इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो स्टैंडर्ड एरर होता है उसकी वैल्यू क्या कर देंगे हम, वन बाई स्टैंडर्ड एरर, एक बटे स्टैंडर्ड एरर लिख के हम देखेंगे कि अगर वैल्यू छोटी है तो हमारा क्या होगा, प्रिसीजन हमारा बढ़िया आएगा, और अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो हमारा प्रिसीजन क्या होगा, वो हमारा प्रिसीजन अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी वही लिखा गया है कि जब हमारी जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू स्मॉल है, यानी हमारा स्टैंडर्ड एरर जब स्मॉल आता है, तो जब हम डिफरेंट सैंपल से और जो हमारा एस्टिमेट करते हैं तो वो क्या होगा, क्लोज होगा वैल्यूज के। और अगर हमारा जो स्टैंडर्ड, अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर अगर लार्ज है, यानी बड़ा स्टैंडर्ड एरर आ रहा है, मतलब उसकी वैल्यू बड़ी आ रही है, तो क्या होगा, वो जो हमारे डिफरेंट सैंपल एस्टिमेट है, यानी जो हमने वैल्यूज निकाली है सैंपल की और पॉपुलेशन की, तो वो क्लोज नहीं होंगे। और अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर स्टैंडर्ड एरर है वो स्मॉल है तो क्या होगा, सैंपल एस्टिमेट क्या होगा, मोर प्रिसाइज, मतलब बढ़िया होगा, मोर प्रिसाइज। अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर लार्ज है तो क्या होगा, हमारा जो सैंपल एस्टिमेट है वो कम प्रिसाइज होगा। तो ये याद रखना कि जो सैंपल, जो हमारा स्टैंडर्ड एरर है वो अगर छोटा है तो हमारा बढ़िया एस्टिमेट निकलेगा, मोर प्रिसाइज होगा, और अगर हमारा स्टैंडर्ड एरर बड़ा है तो हमारा क्या होगा, कम प्रिसाइज होगा, यानी थोड़ा खराब निकलेगा वैल्यूज। तो प्रिसीजन है वो साइज पे भी डिपेंड करता है, ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रिसीजन डिपेंड्स अपॉन, तो ऑप्शन में एक था साइज ऑफ द सैंपल, साइज ऑफ द सैंपल, स्टैंडर्ड एरर, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब कि हमारा जो सैंपल स्टैटिस्टिक्स है, जो हमने सैंपल का जो फॉर्मूला बनाया हुआ था सैंपल के लिए, सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पैरामीटर के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि क्या होता है पैरामीटर और क्या स्टैटिस्टिक्स होता है। तो जो हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला है वो पॉपुलेशन के फॉर्मूला के कितने क्लोज है, मतलब दोनों के बीच में कितना कम गैप है। यहाँ पर फॉर्मूले की बात हो रही है, वहाँ पर दोनों के जो वैल्यूज हैं उनके एस्टिमेट की बात हो रही थी, यहाँ पर क्या बात हो रही है कि उनका जो है फॉर्मूलों के अंदर कितना एक्यूरेट है, कितने क्लोज हैं फॉर्मूले एक दूसरे के, तो इसके बारे में एक्यूरेसी में बात करते हैं। तो जैसे कि अगर हमारा जो मीन है सैंपल लिया हमने, एक
पूरे एक डिस्ट्रिक्ट में से एक गांव सेलेक्ट किया, वो सैंपल है हमारा गांव का, हमने मीन निकाला और हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट का मीन निकाला। तो दोनों का मीन अगर बहुत क्लोज आ रहा है तो हमारी एक्यूरेसी बढ़िया है, अगर दूर दूर आ रहा है तो एक्यूरेसी कम बढ़िया है। तो हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, मतलब लार्ज नंबर का जो प्रिंसिपल होता है उसके अंदर क्या कहा जाता है कि अगर हमारा सैंपल इंक्रीज हो रहा है, अगर हमने सैंपल बढ़ा लिया तो हमारा क्या होगा, रिलायबिलिटी या एक्यूरेसी है वो ज़्यादा होगी, यानी प्रिसीजन भी बढ़िया होगा और एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि स्टैंडर्ड जो साइज ऑफ सैंपल है उस पर प्रिसीजन डिपेंड करता है, तो यानी मोर रिलायबल होगा और एक्यूरेसी भी बढ़िया होगी। तो ये हमारा एक्यूरेसी हो गया। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी के अंदर क्या होता है कि हमने एक ही पॉपुलेशन के काफ़ी सारे एस्टिमेटर्स बना लिए, मतलब कि हमने एक मीन निकालने के लिए काफ़ी सारे फार्मूले बना लिए, कि हमने अलग अलग सैंपल उठाए और उनमें से कई फार्मूलों से मीन निकाले। जो हमें सबसे एफिशिएंसी यहाँ पर इसीलिए चेक की जाती है कि जो सैंपल के जितने भी हमने एस्टिमेटर निकाले थे तो उसके अंदर से जो सबसे एफिशिएंट होगा, सबसे जो बढ़िया एस्टिमेटर होगा वो कैसे निकालते हैं, तो वो एफिशिएंसी के द्वारा ही हम चेक करते हैं। और जो हमारा जो एफिशिएंसी होता है वो भी एक सैंपल साइज पे डिपेंड करती है, मतलब अगर हमारा सैंपल साइज कम होता है और हमारा एक बढ़िया एफिशिएंट एस्टिमेटर निकल आता है तो मतलब हमारा जो एस्टिमेटर है उसकी एफिशिएंसी बढ़िया है। यानी अगर फ्यूअर ऑब्जर्वेशन चाहिए, यानी कम ऑब्जर्वेशन के अंदर एक अच्छा एस्टिमेट दे दे, यानी वैल्यू निकाल के दे दे, तो हमारा जो एस्टिमेटर होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। और अगर हमें वैल्यूज निकालने के लिए, यानी एस्टिमेट करने के लिए अगर ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़े तो हमारा जो है एस्टिमेटर क्या होगा, कम एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी कम होगी, यानी दक्षता कम होगी उसके अंदर। तो ये हमारा एफिशिएंसी है। और अब रिलेटिव एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो रिलेटिव एफिशिएंसी क्या होती है कि यानी दो जो एफिशिएंसी है किसी एस्टिमेटर की, तो उनका जो रेशियो होता है वो रिलेटिव एफिशिएंसी होती है। और रिलेटिव एफिशिएंसी है वो सैंपल साइज पे डिपेंड करती है, ये यहाँ पर लिखा गया है, थ्योरेटिकली डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज है, ये भी याद रखिएगा। और जो एफिशिएंसी है वो बेसिकली डिफाइंड कैसे की जाती है, वो वेरियंस और मीन स्क्वायर एरर उनके द्वारा हमारा डिफाइन की जाती है। वेरिएंस का ही नाम है यहाँ पर, मीन स्क्वायर एरर, तो हमारा ये क्या होता है एफिशिएंसी, इनसे भी डिफाइन की जाती है। यानी अगर हमारा जो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती सैंपलिंग एरर का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, हमारा एस्टिमेट करने के लिए, एफिशिएंसी एस्टिमेट करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो हमारा जो एफिशिएंसी मेजर करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, हमारा जो वेरियंस होता है उसको 1/वेरियंस किसी भी चीज़ का यानी पॉपुलेशन का, तो वो हमें क्या देता है, एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला देता है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ सैंपलिंग वेरिएंस ऑफ एन एस्टिमेट प्रोवाइड एन मेजर ऑफ इट्स एफिशिएंसी। तो हमें क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाएगा कि एफिशिएंसी मापने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जा सकता है, तो हमारा जो सैंपलिंग वेरियंस होगा वो ऑप्शन सही होगा। और अगर हमें एक्यूरेसी के लिए पूछ लिया जाए, एक्यूरेसी के लिए क्या काम में लेंगे, तो एक्यूरेसी हमारे क्या होते हैं, सैंपल साइज पे डिपेंड करती है, तो सैंपल साइज वहाँ ऑप्शन में होगा। और ऐसे ही जो प्रिसीजन है उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, उसके लिए हम काम में लेते हैं जो हमारा सैंपल साइज है और क्या हमारा सैंपल साइज के साथ स्टैंडर्ड एरर दोनों क्या है, ये उसके लिए मापने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम जो है सैंपलिंग के कितने टाइप्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।